तो वही जो डॉक्टर साहब की हालत खराब हुई है ना 4-5 दिन एक तो बना सी आ रही है एक तो बना सी आ रही उस टाइम तो दुख आवे था मकाए बेचारा कल्ला परेशान हो रहा और कल गेस्ट आए हुए थे, इन्होंने सब्जी बनाई थी उनके लिए मेरा गेमर बजाना फिर आज जी वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में भी दिल से स्वागत आप सभी का। और तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी और ज़्यादा भी थी भाई, क्योंकि 4-5 दिन जो हालत मेरी ख़राब हुई है ना, बाप रे बाप, मुझे ही पता है हुआ कुछ यूँ, पेट में कुछ इन्फेक्शन बन गया था और समझ में कुछ आ नहीं रहा था, नाप भी दिखाई, ये करा वो करा, भी बहुत सारे काम ऐसे किए दिखाए भी बहुत जनियों को, जैसे लेडीज़ वगैरह देखती होती हैं, तो कुछ आराम नहीं हो रहा था भाई। बाकी फिर दवाई वगैरह ली, बाकी जो डॉक्टर साहब की एक फ्रेंड है उन्होंने अच्छी दवाई बताई भाई, वो ली तो उससे आराम हुआ, तो थैंक यू भैया आपने इतनी अच्छी दवाई दी। और वीडियो के ज़रिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। अगर आप वो दवाई नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या ही हाल होता, क्योंकि बहुत सारे देसी नुस्खे करके हमने देख लिया था, कुछ भी आराम नहीं हो रहा था। तो चलो जाते हैं अगली बात पे। आज मेरे चेहरे पर रौनक तो आप अलग देख ही रहे होंगे, तो रौनक की अभी आज आ रही है मेरी कोथली, और जैसा कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा, और स्पेशली मम्मी और पापा आ रहे हैं, भाई और पास थोड़ा टाइम नहीं था इसलिए, तो मैंने खाना बना दिया है जी, चावल देख लीजिए, पनीर की सब्जी, और रोटी बनाऊंगी जब वो लोग मतलब पापा और मम्मी आ जाएंगे तब गर्मा गर्म बना के दे देंगे। तो जी आज वो टाइम के बाद आएंगे मेरे मम्मी पापा, भी बहुत खुशी हो रही है दिल से, और थोड़ा सा इमोशनली होता है ना जो वो चीज़ भी है, पता नहीं क्यों होता है ना। अब सुबह ही अचानक से मम्मी का फ़ोन आया था पापा का, तो कह रहे तेरी तबीयत खराब है ना, तेरे को देखने के लिए आ रहे हैं हम। तो मेरे को तो ये था ना कि मैं राखी पे ही जाऊँगी, मना कर दिया था मैंने कोथली काथली के लिए भी, मैंने कहा रहने देना आप लोग कोई बात नहीं, जैसे सावन का हमारे हरियाणा में आता है तो जो मायके वाले होते हैं ना, तो लड़की की ससुराल में दे के जाते हैं जो कुछ भी खाना पीने का सामान होता है, घी और खिचड़ी वगैरह, तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मम्मी जब मैं राखी पे आऊँगी ना तब ले लूँगी, तो आप रहने देना। तो भी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी इसलिए मम्मी और मेरे को देखने भी आ रहे हैं और साथ में मेरे लिए घेवर फिरने भी लेके आ रहे हैं। तो चलो जी आते हैं, तो मिलवाती हूँ आप लोगों को मेरी मम्मी पापा से, और खिलाती हूँ आप लोगों को भी मेरी कोथली, तो स्पेशल कोथली है जो कि मेरी कोथली आएगी, तो आप सब लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो चलो जी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय बाय। और लो जी हो गया एक और काम तमाम, सिलेंडर है जो वो ख़त्म हो चुका है, अभी चल ही नहीं रही है गैस बिल्कुल ही, रखो ठा लूँगी मैं फिर देख लो, रोटी आप ना पकानी पड़ेंगी वरना कोई दिक्कत नहीं तो वही जो डॉक्टर साहब की हालत खराब हुई है ना 4-5 दिन एक तो बना सी भी आ रही है ऐ एक तो बना सी भी आ रही उस टाइम तो दुख आवे था मकाए बेचारा कल्ला परेशान हो रहा और कल गेस्ट आए हुए थे, इन्होंने सब्जी बनाई थी उनके लिए बाकी बड़ी टेस्टी सब्जी बना रहा। एक बात है जी देखो कुक बन गए एक नंबर क्या इवन फ्यूचर जब मैं कभी मायके जान लगी रहने वास्ते तो मैंने न्यू तसल्लिया भी बना के खा लो गया नहीं, रोटी और सीख लो बस गोल गोल तो जी इनको ट्रेंड कर देंगे हम आगे वीडियो में देखना, और ट्रेनिंग दे देंगे पूरी, फिर मेरे को टेंशन नहीं है। तो जी देख लो ऐसे सिलेंडर चेंज किया जाता है, जल्दी तो बताने लग रही पागल, मना भी आवा नू तो फिर बारी आ नहीं, मैं चक नहीं सकती, मना कर रखा मेरा बोझ नहीं चक, वाह क्या बात है तो शॉर्ट नहीं बन गया, तुम शॉर्ट रोंदे रहो भी हर एक बात में। चलो जी फाइनली काम हो चुका है डन, अब हम बनाते हैं बच्चों के लिए खाना। कौन आया भैया जी, कौन आया बच्चों आया,
तो जी बच्चों को जाना है अभी ट्यूशन, ले देख लेंगे क्या खा ले, खोल ले अंशु, खोल लेगा मेरी कोथली खा ले बेटा, के खाएगा ले जा। ये भी नहीं, बाद में काका रोक से दे। वो तो दिखाया को नहीं था, वाह बंद। ये पसंद आए थे दो तक जी मेरा गेमर बचाना फिर आज। तो गाइस हम खुद रोज गए छुट्टी के नाम पे। चल फिर घेवर देना, बाद में खाइयो फिर। तो बच्चे तो हो गए भाई खुश, पीछा इनकी होगी छुट्टी है, इनकी नानी ने छुट्टी करवा दी इनकी ट्यूशन बता दी। हाँ भाई कैसा फील हो रहा है? देखिए किसका हो सका भाई, सूट भी दिखा दिए भाई नानी ने तो, ले सूट भी दिखा दिए, सूट भी दिखा दिए, सारी कमी पूरी कर देगी मैं बेटा ना तो। हाँ देख लो भैया कोथड़ी आई है मेरी इतना खर्चा करने क्यों रहा था बता है, आप मेरी वीडियो ने सीरियस ले गया नी मैंने कह था वहाँ फिर आ जाएंगे अंदर बैठ जाना है आप। लगता भाई मैं बनाने लग रही थी जब हेलो भैया हूँ मामा मैं तो टह दी करीला मैं बनाऊंगी, चल मेरे जोगी बना दो अब मैं खाऊंगी आपके हाथ की, ठीक है पापा ने तो खा ली और अब आज मैं फाइनली खाऊंगी मेरी मम्मी के हाथ की रोटी तो मेरी मम्मी बना देगी भाई मेरे वास्ते बढ़िया बढ़िया सी रोटियाँ, बहुत दिनों की रोटी खाई होंगी पेट भर का। तो जी फाइनली अब मम्मी खाएगी भी खाना, बाहर बैठ के खा रहे हैं, मैं कहूँ मम्मी अंदर ही बैठ जाने गर्मी हो रही है बाहर, मम्मी ने तो बाहर बैठना है ऊपर है। Thank you.
जंदे कैसे कैसे हो? हाँ यारी चप्पल पहन ले इनको। ले ये चप्पल कटवा दे ना तंगो रहेगा। ट्यूशन में भी छोड़ आंदे ना। तो जी फाइनली देख लीजिए आप लोग भी मेरी कोथड़ी जो कि वो मेरे लेके आए थे, मम्मी और जा चुके हैं। अभी मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी खिला दी जाए कोथड़ी। तो ये देखो कुछ ऐसा सामान था भाई, केले भी ख़त्म, जूस बना के पी गए बच्चे, और ये फिरनी है और घेवर भी खा गए, यही बचा है बस। नहीं डिब्बे के अंदर भी है पर दिखाएंगे नहीं, आप लोग सारा चट कर जाओगे ना, इसलिए थोड़ा सा ही रख रखा है। तो ये मावे वाला घेवर है वही, मक्खी दूर दूर दूर। तो ये घेवर है भाई, देख लो मावे वाला, प्योर मावे का। और उसके बाद आ जाती है जी मट्ठी की बारी। ये देखो ये मावे का घेवर है, तो सारा चट कर दिया। और ये देखो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी कोई खाएगा बिना मावे वाले को? देखते हैं। और ये देखो ये मट्ठियाँ हैं, ये अलग प्रकार की है, ये अलग प्रकार की है, और ये अलग प्रकार की है। ये देखो ये सामान आया था भी मेरा कोथड़ी का। और ये सूट है जो कि मम्मी लेके आई थी, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से दो। और ये पैंट कमीज हमारे में तो कुछ इस तरह से ही करते हैं, आप लोगों के वहाँ कैसे करते हैं तो कमेंट में बताना जरूर। इतना कुछ आया मेरी कोथड़ी में और दिल खुश हो गया भाई। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। और आप आई साल ऐसे ही आओ, मैं यही प्रेयर करूँगी भगवान जी से आप हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो बस। तो भाई और बोल दिल से थैंक यू भाई, और भी भाई मुझ पर आएंगे तो आप लोगों से मिलवाएंगे। और फाइनली कुछ इस तरह का था मेरा कोथड़ी का, क्योंकि हमारे हरियाणा में कुछ इस तरह से ही करते हैं अभी कभी, ठीक है? आप लोगों के वहाँ कैसे करते हो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके जी, अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।